नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर फैमिली गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनु सोनी। मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आती हूं टोटके और छोटे छोटे उपाय। तो बहुत दिन से कमेंट आ रहा था शनि ग्रह को लेकर, तो आज मैं शनि ग्रह को ही लेकर वीडियो लेकर आई हूं। जी हां, जिसका बिल्कुल छोटा छोटा उपाय है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसको दान करने से क्या क्या इसमें आपको लाभ होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इन चीजों को खरीदने से क्या क्या आपको नुकसान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर दे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि ग्रह जो बहुत ही क्रूर ग्रह बोला गया है, मतलब काफी ज्यादा गुस्सैल वाला, तो हम सभी सोचते हैं ना कि शनि ग्रह जल्दी हमारा खराब ना ही हो तो अच्छा है, पर हमें तो बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जो बर्थ है या फिर अपनी कुंडली वो किसी को भी नहीं दिखाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको इससे रिलेटेड भी उपाय बताऊंगी जिसका शनि ग्रह खराब हो अच्छा हो, ये उपाय सभी लोगों के लिए है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो है वो है लोहा। जी हाँ, भूल कर भी हमें शनिवार के दिन लोहे का दान कर सकते हैं, लेकिन लोहा नहीं खरीदना है। जी हाँ, लोहे अगर हम खरीदते हैं तो क्या होता है, अगर हम शनिवार के दिन लोहा खरीदते हैं तो इससे हमारे व्यापार को नुकसान होता है। तो शनिवार के दिन लोहा बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदना है। पर आपने मेरे बहुत से वीडियो में देखा होगा कि मैंने शनिवार को लोहा को दान करने को कहा है। तो जी हाँ, लोहा अगर आप शनिवार को दान करते हैं तो अगर आपका शनि ग्रह खराब है तो इससे काफी अच्छा वो ठीक हो जाता है और आपके व्यापार में वृद्धि ही होती है। चलिए दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना है। जी हाँ, आप किसी भी दिन खरीद लीजिए, पर शनिवार के दिन आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। नमक नहीं खरीदना है ये तो मैंने बता दिया, पर इस नमक को आप शनिवार के दिन दान जरूर कीजिए। अगर घर में हमेशा बीमारियां लगे रहती है, हमेशा परेशान रहते हो आप, तो आपको शनिवार के दिन भूल कर भी नमक खरीदना नहीं है, बिल्कुल उसे दान कर सकते हैं आप। आप किसी भी जरूरतमंद को उसे दान कर दीजिए, आप देखोगे आपकी परेशानियां बीमारियां घर से बिल्कुल दूर चली जाएगी। तीसरी चीज, चलिए बताती हूँ मैं, वो तीसरी चीज है वो भी रसोई से जुड़ी हुई है, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल हमें शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, पर आप लोग देखोगे कि बहुत से लोग शनिवार के दिन सरसों के तेल को दान करते हैं। सरसों के तेल को दान करने से भी आपको काफी सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, जिससे आपके घर से दरिद्रता जाती है, बहुत सी परेशानियां आपको बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। तो आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान बिल्कुल करना है, पर खरीदना नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। चलिए चौथी चीज जो आपको शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना है वो है कैंची। जी हाँ, चाहे आप किसी भी व्यापारी, कोई भी व्यापारी हो, घर में ध्यान दीजिएगा, घर में कैंची बिल्कुल नहीं खरीदना है। कैंची खरीदने से क्या होगा, आप देखोगे हमेशा रिश्तों में अनबन होना, लड़ाई झगड़ा वो बना रहेगा। तो शनिवार के दिन कैंची बिल्कुल ना खरीदें और दान तो बिल्कुल ना करें। तो खरीदना नहीं है आपको और दान से भी कोई मतलब नहीं है। तो शनिवार के दिन कैंची से रिलेटेड कोई भी काम आपको नहीं करना है। और क्या चीज है, जूता चप्पल। जी हाँ, बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हम कभी भी जाते हैं, पसंद आ गया ले लिए, बिल्कुल किसी भी दिन आप ले सकते हो, पर शनिवार के दिन उसे भूल कर भी ना खरीदे। अगर आप जूता चप्पल शनिवार के दिन खरीदते हैं तो भी आपको काफी ज्यादा परेशानियां घर में देखने को मिलती है। सारा कुछ आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैसे से ही रिलेटेड है, आर्थिक प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, क्योंकि सब शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो आपको इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम शनिवार को हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए वो है झाड़ू। जी हाँ, आप किसी भी दिन झाड़ू खरीदिए, बस शनिवार के दिन आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं खरीदना है, उससे घर में दरिद्रता आती है। जी हाँ, आप किसी भी दिन खरीदिए पर झाड़ू नहीं खरीदना है आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर आप इनसे कुछ जुड़े उपाय अगर करते हो या फिर जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।